गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अपोजिशन लीडर एडवोकेट अमजद ने मोहम्मदी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया। मोहम्मदी ब्लड बैंक के सदर सरवर अली और सीईओ सैयद मेहदी रिजवी ने इनका इस्तकबाल किया। अमजद एडवोकेट ने ब्लड बैंक के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। इस मौके पर अमजद एडवोकेट का कहना था कि मोहम्मदी ब्लड बैंक कम वसाइल में भी अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने मोहम्मदी ब्लड बैंक की काविशों को सराहा। सहाफियों के सवाल पर कहा कि पीडीएम का इतिहाद मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। जिमनी इंतखाबात पीटीआई हुकूमत के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। आज जिस तरह का सेटअप चला रहे हैं, जिस तरह की वेलफेयर हो रही है, आज जिस तरह की खिदमत हो रही है, इस पे हम मोहम्मदी ब्लड बैंक के जिम्मेदारान को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। पाकिस्तान की वो लीडरशिप चाहिए जो पाकिस्तान के निजाम को समझती हो। अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट ने अपने मुकम्मल तावुन की यकीन दहानी कराते हुए आखिर में थैलीसीमिया के बच्चों के साथ घुल मिल गए। सैयद नुमान गुल, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।